हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु कुमार, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रेन इंस्टीट्यूट में। आप हमारे पीछे देखिए, हमारे ट्रेनिंग इंजीनियर कुछ काम कर रहे हैं। आज इनका 1 अगस्त है और आज इनका पहला दिन है ट्रेनिंग का, और आज यहां पे वो आए हैं टाउनशिप लेआउट को करने के लिए। हम एक एक करके अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे कि आज की क्लास में उन्होंने क्या क्या सीखा है। आइए मिलते हैं अपने सबसे पहले इंजीनियर के साथ और जानते हैं उनके साथ कि आज की क्लास में उन्होंने क्या क्या किया है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम ईशिका दलाल है। मैं सिविल गुरुजी नागपुर से 1 अगस्त से और ट्रेनिंग ले रही हूँ। ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आज सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ, फिर सिविल गुरुजी के बारे में कुछ आपने बताया, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड यूनिट कन्वर्जन हुआ, फिर उसके बाद साइट पे टाउनशिप लेआउट करने है। ठीक है, जो आपने यूनिट कन्वर्जन की क्लास की, तो हमारे इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट कन्वर्जन है किस लिए जरूरी होता है? जो अपनी ड्राइंग रहती है उसमें मीटर, सेंटीमीटर, एमएम उसमें इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अपने लेवर को इंचेस, फीट, ये भाषा समझ में आती है। तो अपने को क्या है ना कि दोनों लैंग्वेज जाना बहुत जरूरी होता है, कि मुझे मिलीमीटर, सेंटीमीटर और जो हमारी मीटर की लैंग्वेज वो भी, और फीट, इंच और सूत की भाषा जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन की क्लास में जितने भी आपको टास्क दिए गए आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए? जी हाँ। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आए हुए हैं साइट पे टाउनशिप लेआउट को करने के लिए। क्या होता है टाउनशिप लेआउट? टाउनशिप लेआउट बोले तो एक बस्ती को बसाना, जैसे एक सिटी को, उस सिटी में जैसे कि हॉस्पिटल, मंदिर, गार्डन्स वगैरह, जैसे कि मुझे एक मंदिर बनाना है, उसके लिए एक प्लॉट काटना पड़ेगा, तो उसी के मेजरमेंट के लिए हम, मतलब वही आप प्लॉट काटने आए हैं कि भाई किस तरीके से प्लॉट कटता है। हाँ। ठीक है, तो आज आपका पहला दिन है, तो जो भी क्लास में सिखाया गया आप अच्छे से समझ पा रहे हो? जी हाँ। अगर आपको इन फ्यूचर कहीं भी साइट पे अगर आपको प्लॉट कटिंग की चीज दी जाएगी तो आसानी से प्लॉट काट लोगे? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए मिलते हैं अपने दूसरे इंजीनियर के साथ और उनसे जानते हैं कि उन्होंने टाउनशिप लेआउट जो प्लॉट कटिंग होता है किस तरीके से प्लॉट काटते हैं, एक एक करके अपने इंजीनियर के साथ जानेंगे। आइए मिलते हैं अपने दूसरे इंजीनियर के साथ। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मैं हितेश, नागपुर से सिविल गुरु जी से। मेरा 1 अगस्त आज का पहला दिन है ट्रेनिंग का। ठीक है, आज की क्लास में आपने क्या क्या किया? सर, हमने किया सेल्फ इंट्रोडक्शन, एक दूसरे से परिचय किया। ठीक है, देन उसके बाद हमने किया सिविल गुरु जी किस इस पे पर्पज़ पे काम करता है, वो सारी चीज़ हमने ये किया सिविल गुरु जी का। उसके बाद हमने यूनिट कन्वर्सेशन ये किया। हाँ, यूनिट कन्वर्जन ये सब सर। तो यूनिट कन्वर्जन क्यों होता है बेसिकली? सर, यूनिट कन्वर्जन है वो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारी जो ड्राइंग होती है मीटर, सेंटीमीटर एंड एमएम में होती है, लेकिन जो लेबर्स लोग होते हैं उनको ये मीटर्स एमएम में नहीं समझ आता, तो इस वजह से हमें भाषा समझ आती है। हाँ, उनको सर को फीट, इंचेस, एमएम, सॉरी सूत, ये लैंग्वेज उनको समझ में आती है, तो इसलिए हम, इसलिए एक इंजीनियर को दोनों लैंग्वेज जाना जरूरी है। आज यहाँ पे आप टाउनशिप लेआउट करने आए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा जो मेन रोड है उससे हम लोग 4 मीटर छोड़ के हमारी प्लॉट कटिंग होती है, तो 4 मीटर छोड़ने का मेन पर्पस क्या है? सर, एक्चुअली जो पर्पस रहता है, जो गवर्नमेंट के आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स है, जैसे रोड है उसको वाइट करना है, नेक्स्ट कभी भी होता है कि उसको वाइट करना है या फिर कुछ प्लानिंग करना है उसको, जैसे कुछ पाइपलाइन वगैरह डालना है या कुछ करना है, केबल डालना है, केबल लाइन डालना है, तो इस वजह से मतलब वो, मतलब हमें एज ए गवर्नमेंट के पर्पस, हाँ, एज अ गवर्नमेंट के पर्पस की वजह से हमें 4 मीटर छोड़ के ही अपना प्लॉट, बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं छोड़ता है तो उस केस में क्या होता है? हाँ सर, वो तो इलीगल हो जाएगा, तो वो केस हम पर, मतलब या फिर हमने जो भी कंस्ट्रक्ट किया है या रोड को लग के किया है कुछ भी काम के अपना खुद का, तो गवर्नमेंट, सिंपल सा गवर्नमेंट आएगा और पूरा ये कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, मतलब बुलडोजर चला के चली जाएगी। हाँ। आप यहाँ पे टाउनशिप लेआउट को करने आए हैं और प्लॉट काटने आए हैं, तो आप एक एक करके प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे टाउनशिप लेआउट में जो प्लॉट की कटिंग हुई है, जैसे कि आपसे हम ये वाली प्लॉट जो आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आपकी प्लॉट की साइज कितनी है? सर, मेरे प्लॉट की साइज 7x8 की है। 7x8 की प्लॉट है, ठीक है, तो आप मुझे स्टार्टिंग से प्रोसीजर बताएं कि आप सबसे पहले क्या क्या किया, आप रफली बताइए एक लैंग्वेज में, फिर आपको यहाँ पे मैं सारा चीज़ एक एक करके दिखा के पूछूंगा। तो आपने सबसे पहले प्लॉट कटिंग के लिए क्या क्या किया? 7x8 का प्लॉट था, तो क्या किया आपने? सर, हमने पहले सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लिया जो आपने दिया था, देन उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट निकाला, सबसे हम 7 मीटर पे गए। ठीक है, देन उसके बाद, हाँ उसके बाद, उसके बाद जो पाइथागोरस थ्योरम लगता है, प्लॉट का साइज के हिसाब से हमारा अंडर रूट ऑफ द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके हिसाब से हमने उसका पाइथागोरस
निकाल लिया वैल्यू मतलब वैल्यू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपने किया, सेवन का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर किया और जो भी वैल्यू आई वो आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू। आप एक एक करके प्लॉट में दिखाइएगा कि सबसे पहले आपने क्या किया। तो कैमरा मैन यहाँ आइएगा। सर सबसे पहले हमने आपके आपने जो बताया था रेफरेंस पॉइंट, यहाँ हमने टेप मेजरमेंट टेप 0 पॉइंट पकड़ा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हम 7 मीटर चलते हैं, ठीक है। आप दूसरे पॉइंट पे 7 मीटर चले, ठीक है। तो सर, आप यहाँ पे यहाँ से पॉइंट पे हाँ 7 मीटर पे आगे सर, इसके बाद 7 मीटर पे आगे, मतलब कि आपका जो यहाँ पे पहला पॉइंट पे वो बैठी है वो हो गया 0 पॉइंट, और उसके बाद ये जो आपका दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट आपका हो गया ये 7 मीटर। उसके बाद आपने क्या किया? देन उसके बाद सर हमने जो बी पॉइंट 7 मीटर पकड़ा है उसको हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाली पहले प्लॉट की। कितनी आई आपकी हाइपोटेनियस, किस तरीके से आपने निकाला? सर उसके पहले सबसे पहले हमने प्लॉट का साइज लिख लिया है, देन उसके बाद हाइपोटेनियस का फॉर्मूला बेस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मीन्स होता है परपेंडिकुलर वैल्यू उसकी। देन उसके बाद अंडर रूट बेस हमारा जो है 7 मीटर का है, तो अंडर रूट ऑफ द 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 64। हमारे जो वैल्यू निकल के आएंगी 10.63। तो आपकी जो वैल्यू आई 10.63, उसके बाद आपने क्या किया? आपने सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट लिया, जीरो पे मार्क किया, okay। फिर आपने यहाँ पे 7 मीटर पे बी पॉइंट पे मार्क किया, फिर आपने जो है 3-4-5 मेथड और गुनिया मेथड के मदद से जो प्लॉट करता है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम निकाला जिसका फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपका बेस यहाँ पे कितना था? बेस था आपका 7 और परपेंडिकुलर था 8। उसके मदद से आपने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद हमने जो परपेंडिकुलर वैल्यू है उसको हम 10 जो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू निकली है उससे ऐड करेंगे हम। तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा है 8 मीटर, तो हमें कितना जोड़े आप? सर 10.63 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारा 18.63 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 18.63। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया? 7 मीटर बी पॉइंट पे थे तो वहीं से हम 18.63 वहीं पे हम 18.63 का टेप का मेजर मतलब टेप खोल के बैठ इसको बैठ जाएंगे, ठीक है। तो 18.63 पे आप बैठे, ये देखिए अभी 18 मीटर है, 18.63 आपने टेप खोल के बैठ गया। फिर आपने क्या किया? जो हम थर्ड पॉइंट निकालेंगे उस पे हाइपोटेनियस की जो वैल्यू निकली है उसी पे थर्ड पॉइंट रखेंगे, तो हमारा क्यों उसी पे क्यों रखेंगे? जो बी वैल्यू पे हम 18.63 लेके बैठे थे, तो जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा जो थर्ड पॉइंट आएगा वो हाइपोटेनियस की वैल्यू होंगी, और उसी में से हम माइनस करके जो हमारा परपेंडिकुलर जो वैल्यू है प्लॉट का एग्जैक्ट वो वैल्यू निकल जाएंगी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने बी पॉइंट पे 18.63 पे बैठा था दूसरे पॉइंट पे, तो तीसरे पॉइंट निकालने के लिए उन्होंने जो है हाइपोटेनस की जो वैल्यू थी 10.63 वहाँ पे इन्होंने बैठा, ताकि इनकी जो एंडिकुलर की डिस्टेंस है मतलब 18.63 में से 10.63 को माइनस करेंगे तो इनको जो ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ पे दिखाइएगा कैमरामैन कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसकी 8 मीटर जो है यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे दिखाइए कि आप यहाँ पे 10.63 पे हाइपोटेनस की वैल्यू लेके बैठे हैं क्या? सर देखिए हमारा थर्ड पॉइंट निकल चुका है 10 मीटर 63। हाँ देखिए 10 मीटर है और 63 मतलब 10.63 आपने थर्ड पॉइंट को ले लिया, ठीक है। तो आपने पहले दूसरे और तीसरे पॉइंट को फाइंड कर लिया। अब चौथी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? जो चौथी पॉइंट हमें निकालना है, जो ए और बी पॉइंट जो है वो वही रहेगा, और जो परपेंडिकुलर जो वैल्यू दिया है हमारे लेंथ जो है कितने मीटर है? सर 8 मीटर। तो आप चौथे पॉइंट पे आइए, यहाँ पे 8 मीटर पे लेके बैठिए। तो लेके आइएगा इंजीनियर इनके साथ, ये 8 मीटर पे यहाँ लेके बैठेंगे। सर देखिए हमारा 8 मीटर आ चुका है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका जो 8 मीटर आ गया है, ठीक है। तो आप इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? सर चेक करने के लिए हमें डायगोनल चेक करना पड़ेगा, तो हम चेक करके बता देते हैं, ठीक है। तो आप डायगोनल चेक कीजिए थोड़ा सा। सर डायगोनल चेक करने के लिए हमें 0 पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया था वहीं पे बैठना है, देन उसके बाद डायगोनली जाना है। तो वहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? सर हमारी जो डायगोनल वैल्यू थी है वो 10.63 आनी चाहिए। तो 10.63 है कि नहीं यहाँ पे आपको चेक कराना। तो ये आपका हो गया यहाँ पे सर, ये है 10 मीटर एंड ये 0.63, ठीक है।
तो आपका 3 यहाँ पे, मतलब आपने जो प्लॉट काटा है बिल्कुल परफेक्ट काटा है। तो अगर आपको कहीं भी साइड पे इस तरीके से प्लॉट काटे दिया जाएगा तो आप आसानी से काट लोगे। जी सर बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अपने दूसरे इंजीनियर के साथ, जान लेते हैं कि सिविल गुरुजी का आज पहला दिन उनको कैसा लगा है। तो हेलो, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम जिशान एली है और मैं जम्मू से आया हूँ। जम्मू से इतने दूर आए, मोहाली में क्यों नहीं किए भाई? सर मोहाली, सर आपसे बात हुई थी और आपने मुझे गाइड किया अच्छे से, तो मुझे लगा कि 2 महीने मुझे कहीं भी रहना है तो मैं आपके सर पास ही क्यों ना हूँ। अच्छा ठीक है। तो आज की क्लास में आपको जो सिखाया गया, आज आपका पहला दिन था यहाँ पे, स्टार्टिंग से जो आपको सिखाया गया, आपका इंट्रोडक्शन हुआ, फिर सिविल गुरुजी की गाइडलाइन सारी बताई गई, फिर आपकी यूनिट कन्वर्जन हुई, उसके बाद आपने टाउनशिप लेआउट किया, तो आप जो सोच के आए थे इतने दूर से आए, जम्मू कश्मीर से आए भाई यहाँ नागपुर करने के लिए, तो आप जो सोच के आए थे क्या वो डिलीवर्ड हो पाया मेरे तरफ से? सर डिलीवर हो पाया बट उससे ज़्यादा ही हो पाया, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो मैंने मैं सोचा था कि इस टाइप का मैं हमारा डे निकलेगा पहला, बट उससे अच्छा निकला। चलिए, कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था, कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे में कॉन्फिडेंस तो कुछ नहीं था, बीटेक में हम कुछ नहीं करते हैं, 1.5 साल कोविड रहा उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पाए, बिल्कुल, जिसकी वजह से आज पहला डे लगा साइट पे आके तो ऐसा फील हुआ हम इंजीनियर्स हैं। हाँ। तो आप आगे आने वाले जितने भी इंजीनियर्स हैं अगर वो वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या उनको ये सिविल गुरुजी की जो ऑफलाइन ट्रेनिंग है वो करनी चाहिए, यूजफुल है उसके लिए? जो फ्रेशर इंजीनियर है, जो मतलब अभी इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, गैप आ गया, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है सिविल गुरुजी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी इंजीनियर होते हैं ना जो जॉब कर रहे होते हैं लेकिन वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो भी वो आते हैं, जॉब वाले भी आते हैं। सर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे अभी फ्रेशर इंजीनियर है उनके लिए तो बेसिक है कि उनको ये ज्वाइन करना चाहिए आंख बंद करके, तो जो बाकी जो इंडस्ट्री में पहले से हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है उसको प्रॉपर नॉलेज के लिए, प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए उसको सिविल गुरुजी ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा हमारे इंजीनियर ने कितनी आसानी तरीके से टाउनशिप लेआउट के बारे में बताया कि किस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस किस तरीके से प्लॉट काटते हैं। अगर आप भी इस तरीके से ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डैशबोर्ड नंबर 9111001234 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एडमिशन लिंक और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डाल दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।